चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो यह अनुच्छेद 61। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। अगला है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। अगला है, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15 और 25। व्याकथन किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना है जो लगभग परिसंकल्प है? तो ये थे प्रोफेसर के सी हियर। अगला, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किया जाते हैं? संसद द्वारा। अगला, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जीवी मावलंकर। अगला है, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला है, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी किपलानी। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108(4) में। अगला है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के। अगला, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का। अगला है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को। अगला है, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से। अगला है, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाकघर आदि, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका समिति किस वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा। अगला है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। अगला, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 में। 48। अगला, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा सदस्य होना चाहिए? 6 माह। रिट शब्द किस भाषा का है? लेटिन का। अगला, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्ला। अगला है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारण रिक्त होने जाने के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा?
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला है, किसी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला, यदि संघ सूची बार एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए जो उस पर किस सूची के विषय की प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के विषय को। अगला, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है, क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। अगला है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74(1) में। अगला है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? संसद द्वारा। अगला है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्च न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्पेषण, प्रेषण और अधिकार पेक्षा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिए, कुल संख्या का 1/12 है। अगला, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो भारत के महालेखा परीक्षक का। अगला, राष्ट्रपति प्रत्येक पांचवें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो याद रखिए, यह है वित्त आयोग। अगला, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? तो याद रखिए, 1/3 सदस्य। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किसके पास है? केंद्र सरकार की। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। अगला, लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 7। अगला, किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 1/3। अगला, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाए गए? 1971 में। अगला है, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। अगला है, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 23। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना दिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण के गठित संविधान सभा में संविधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. Rao। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अवधि घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। अगला है, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। अगला है, संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति। अगला है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष।
अगला है, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला है, जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। अगला है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय। अगला है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा था? लोकमान बाल गंगाधर तिलक। अगला है, पंचायत का चुनाव कराने तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1972 की जनगणना पर आधारित है, यह एक निर्धारण वर्ष किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो याद रखिए 2026 तक।